का थोड़ा सा रह गया था इसका। शत्रुशत संख्या पूर्यते यावत, तब तक विकास होते गया, विकास होते गया, कार्य बनते गया, बनते गया, बनते गया, जब तक 36 संख्या पूरी ना हो। कहां जाकर के 36 संख्या पूरी हुई? पार्थिवम तत्वम, पृथ्वी तत्व जब उत्पन्न हो गया, 36 तत्व संख्या पूरा हो गया। पृथ्वी संख्या 26 में चल रहा है। तदनंतरम नोपलभ्यते, उससे आगे और तत्वांतर उपलब्ध नहीं होगा। तत्वांतर उपलब्धि नहीं, तत्व का वह स्वभाव, तत्वांतर का मतलब नया स्वभाव आना चाहिए। जैसे जल में रस था, है ना, पृथ्वी में गंध अधिक हो गया। पृथ्वी के आगे ऐसा कोई तत्व नहीं जिसमें इसे कोई विलक्षण गुण पैदा हो जाए, कोई स्वभाव, कोई धर्म पैदा हो, ऐसा कि पृथ्वी कार्य घट पट मट वगैरह बना रहे हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ऐसे सब में पृथ्वियों में, इन सब पृथ्वी कार्यों में गंध ही है। गंध से अतिरिक्त कुछ विशेष न होने से उनको तत्वांतर नहीं माना जाए, घटादियों को तत्वांतर नहीं मानते। पार्थिव तत्व स्थूलत्वात् पर्यंतवर्ती, और दूसरी बात कि स्थूल होना ही मुख्य लक्ष्य था। अति सूक्ष्म जो आत्मा शिव, वह स्थूल रूप धारण करने के लिए लीला क्रीड़ा करना आरंभ किया हुआ है। स्थूलतम स्थिति पृथ्वी, उससे और स्थूल की अपेक्षा ही नहीं थी, उतनी स्थूलता से ही सकल व्यवहार जब संभव था, और इसलिए आगे तत्वांतर स्थूल कार्य निष्पादन नहीं हुआ। जब पार्थिव तत्व कैसा है, स्थूल होने से पर्यंतवर्ती, वही सीमा का अंतिम तत्व समझना चाहिए। 36 की अनेक सहकारी संपाद्य विशेषम कारणात् कार्यम स्थूलम भवति, करेले ये जो कार्य में पैदा होता है एक ही कारण से नहीं पैदा होता, कभी कोई कार्य अनेक सहकारी कारण होते, एक को उपादान कारण कहेंगे, एक को निमित्त कारण कहेंगे, निमित्त में भी अवान्तर निमित्त बहुत सारे हो जाएंगे, अनेक कारण माने जाते। इसे कहते अनेक सहकारी संपाद्य विशेषम कारणात् कार्यम स्थूलम भवति, अनेक सहरी का सहकारी कारणों के द्वारा संपाद्य विशेष स्वरूप ही कार्य होता है, जो कारणों से स्थूल रूप धारण करता है। क्यों उसको स्थूल कह रहे हो? कि व्यक्त तरत्वात् न तो सूक्ष्मम, क्योंकि वह अत्यंत अभिव्यक्त हो चुका है, इस और अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं रह गया, और सूक्ष्म वो नहीं रह गया, ये इसका तात्पर्य है। एक नंबर टिप्पणी, षट्त्रिंशत् तत्व कारणम ही पार्थिवम तत्व, 36 तत्वों का जो है समाप्ति का कारण है पार्थिव तत्व। तथा तत्व सहकारी कारणोपस्कृत कारणात् अपि, उन सहकारी कारणों से उपस्कृत माने सहकार सहायता प्राप्त करके कारण से ही कार्य का व्यक्त तत्व, कार्य का व्यक्त तत्व देखने को मिलता है, जिसके उस स्थूलतम कार्य से कारण अंतर्भावात स्थूलत्व आता है, और कार्य वास्तव में कारण में अंतर्भाव होता है। कारण और कार्य अत्यंत अलग नहीं है। देखो यहां पर आके बोल दिया, यदि अलग हो जाता है फिर शिव से अलग हो जाएगा जगत, ये शिव ही है कैसे सिद्ध करोगे आप? इसलिए कहते कार्य कारण में ही अंतर्भूत रहता है, कभी वो अलग नहीं होता। ये वेदांत में भी अनन्यत्वाधिकरण में अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, कार्य और कारण दोनों अनन्य है, अन्य नहीं हो सकते। न्यायिकों में ऐसा नहीं है, अन्य है, कारण अलग है, उस उत्पन्न कार्य अलग है, अनन्य नहीं मानते। और ये सब वेदांत और अद्वैत पक्ष वाले जितने भी हैं इनको अनन्य मानना ही पड़ेगा, नहीं तो द्वैत सिद्ध हो जाता है। अच्छा, महत्वेपि प्रधानादेय कारणस्य सौक्ष्म्यमेव, और महत् परिमाण, परिमाण में ना महत्व में परिमाण फूलना बड़ा हो जाना, जो महत्व परिमाण में भी प्रधान के कारण से सूक्ष्म, प्रधानादियों के कारणता का सूक्ष्मता ही कारण कोटि में रहता है। दो तीन सर्वानुस्यूतत्ता, क्योंकि सर्वानुस्यूत होने से महत् परिमाण है, और अव्यक्त तरत्वात् सूक्ष्म भी है। कारण हमेशा सर्वव्यापक भी होता है और कारण हमेशा सूक्ष्म होता है, और कार्य उल्टा ठीक, कार्य हमेशा परिच्छिन्न होता है और स्थूल होता है। ये नियम सब में सर्वोत्तम कारण सर्वव्यापक है, सर्वाति सूक्ष्म शिव है, वहां से जो कार्य पैदा हो रहे हैं उत्तर उत्तर क्या हो रहा है, परिच्छिन्न स्थूल, परिच्छिन्न स्थूल, परिच्छिन्न स्थूल, स्थूल तर जो हो गया वो अंतिम तत्व 36 पृथ्वी, वाति स्थूल हो गया। तथा चिन्मयत्वात्
सर्वस्य यह प्रकाशान्वयः, इसलिए सब कुछ चिन्मयी है, ये शिव ही ऐसा बना हुआ है ना, सब कुछ चिन्मयी है, बिना चैतन्य का कोई चीज है ही नहीं, सर्वम चिन्मय, सर्वम ब्रह्ममयमरे, हाँ भजन गाय ना सदाशिवेंद्र ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी जो है ये भजन गाय, सर्वम ब्रह्ममयमरे सर्वम ब्रह्ममयरे इदम अहम यत किंचित तत् सर्वम ब्रह्ममयमरे, सुंदर भजन है। कहे जो कुछ भी हो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और है कहाँ, जो इदम अहम यत किंचित बोल दिया सर्वम सब कुछ, इदम कहते जो अहम कहते हो ये सारा इदम अहम हम जितना भी आप अनुभव कर रहे हो सब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, ब्रह्म की प्रकाश इस विविध रूप में भाषित हो रहा है, ये भी वही कह रहे यही प्रकाश ही है, चिन्मय सर्वस्य यावत् प्रकाशान्वयः, सब के सब में प्रकाश का अन्वय निरंतर है। सत्ता प्रवृत्ति जल तत्व शुक्ल प्रकाश वर्णे तावत् कारणता संभाव्य, सत्ता प्रवृत्ति सत्व से आरंभ करके जल तत्व में भी आप देख लीजिए वहां भी शुक्ल प्रकाश वर्ण है, शुक्ल वर्ण क्यों आ रहा है, प्रकाश की विशेषता है, प्रकाश शुक्ल होता है उसे उपाधि की वजह से रंग आ जाते हैं, लेकिन प्रकाश का स्वभाव भास्वरता शुक्लता, शुद्ध जो प्रकाश होता है भास्वर होगा बहुत चमक होगा बहुत तेज होगा चमक उसका, बिजली देखिए चमकता है आप आंख लगा देख नहीं सकते इतनी तेज होता है भास्वरता है शुक्लता है, यदि उसमें भी उपाधि का थोड़ा असर है बादल उपाधि से पैदा होगा और निरुपाधि का तो कल्पना करो वो कैसा होगा, लेकिन उपाधि जलादि की वजह से यहां पर प्रकाश है वह प्रकाश ही कहीं शुक्ल रूप में दिख रहा है, इन पृथ्वी तो कृष्ण हो गई कहते हैं वहां क्या हुआ वो भी बता रहे पार्थिव पितु यावत तदस्ति तित प्रकाशित प्रकाश्याख्या अख्याति मात्रा पृथक प्रकाश आत्मत्व कहते पार्थिव में कालापन क्यों आया कहते इसलिए आया यावत तस्य चित प्रकाश अख्याति मात्रा चित प्रकाश की ऐक्यता का अख्याति वहां बढ़ती गई, उत्तरोत्तर कार्य में क्या होता है अख्याति बढ़ते जाता है, जड़ता स्थूलता का पीछे क्या है उतनी ज्यादा अविवेक, जितना हम चैतन्य का अविवेक करते जाते हैं उतनी जड़ता बढ़ती है स्थूलता बढ़ती है कालापन आ जाता है सफेद मिट जाता है, इसे जलादि में शुक्ल वर्ण दिख रहा है वो प्रकाश का ही एक रूपांतर समझना, ये कहा और वहां क्यों कृष्ण हो गया जवाब देव चित्त और प्रकाश की ऐक्यता की अख्याति मात्रा पृथक कर दिया, पार्थिव तत्व न प्रकाश प्रकाशित न्याय देखो चार नंबर टिप्पणी साहब न प्रकाश प्रकाशत है अप्रकाश के प्रकाशित नहीं हो सकता यदि न्याय न प्रकाशात्मत्व यदि भी पृथ्वी भी प्रकाशात्मा ही है फिर भी चित प्रकाश की ख्याति मात्र पृथक एव अस्ति पृथक ही भाषित होने लग जाता है अतएव उसमें कालापन अधिक महसूस होने लगता है जितना ज्यादा घनीभूत हो गया उतना ही सफेदी उसकी गायब होते प्रकाश होता घटते जाता है ऐसे लगता है पत्थर आदि बिल्कुल प्रकाश है ही नहीं पेड़ पौधे तो कुछ ही मालूम होता है फिर भी जान है कुछ है इन पत्थर में जान का महसूस ही नहीं होता नहीं पेड़ों पौधों में जान महसूस भी होता है इन पत्थर में कभी नहीं महसूस होता ये स्थूलता का प्रभाव ये बता रहे तदुक्तम जड़ाभासम कार्ष्ण्या इसी को श्लोक में कहा था जड़ाभासम शब्द पृथ्वी के लिए जड़ाभासम माने कार्ष्ण्यात् कालापन आ गया जड़ो अप्रकाश कि जड़ का मतलब ही है अप्रकाश अप्रकाश तक आभास हुआ रूपम अस्य बहुव्रीहि समास इसलिए कालापन समझो पांच मिनट टिप्पण पार्थिवम तत्त्वम जड़ाभासम आकाशादि महाभूतमय तन्मात्र पंचक व्यूहना व्यूहनात्मतया संहतम और उसी पृथ्वी का नाम संहतम भी का क्यों आकाश वायु अग्नि जल इन सब का ही
थोड़े थोड़े से मिला करके वेदांत में आता ना पंचीकरण बोलते हैं, मिलकर मुलकर के स्थूल बना हुआ है, उन सब के मिलावट होकर स्थूल बना, इसे इसका नाम संघात, संहत हो गया। एक अनेक अवयवों से मिलकर एक स्थूल अवयवी रूप धारण कर गया, इसका थे संहत होना, संघात बोलते हैं। आकाश आदि महाभूतमय तन्मात्र पंचक, ठीक है ना, तन्मात्राओं की पांच जो उनकी व्यूहन आत्मज्ञा, उनका व्यूहन में एक विशिष्ट संरचना हुई, इसको हम लोग पंचीकरण प्रक्रिया कह देते हैं। उस विशिष्ट संरचना को लेकर के ये स्थूलता को प्राप्त किया, व्यूहनात्मतया संहतम भवति, सात आठ नौ। छह में था जलेपि शुक्ल वर्णा भाषात अस्थिव प्रकाशान्वय पार्थिवे काष्ठा भाषात नास्तित्यर्थः, इतना ही अंतर हुआ स्थूलता के कारण। विशेषानाम सामान्य मूलत्वात् सामान्य आकारम तन्मात्र पंचकम, जो भी विशेष है हमेशा सामान्य पूर्वक ही होता है, बिना सामान्य का कोई विशेष की स्थिति हो ही नहीं सकती है। वो सामान्य स्थिति हर भूतों की सामान्य स्थिति का नाम तन्मात्रा, आकाश तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, पृथ्वी तन्मात्रा होती है। इन तन्मात्राओं का ही जो सामान्य है उनका आपस में मिश्रण हुआ एक विशिष्ट तरीके से, उसका नाम व्यूहन, इनकी भाषा में व्यूहन होना, वेदांत में पंचीकरण होना। वही व्यूहनम वही कहे विशेष रचना, आगे ना व्यूहन का मतलब क्या, विशेष रचना हुई, आपस में मिलन, संहतम निवेदम मिलितम भवति, संहत मने मिल गए, ये सब अवयव मिल करके एक अवयवी ठोस बन गया, ये इसका तात्पर्य है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रेभ्यो व्यूढ़ेभ्यो पार्थिव तत्वमिति, इन पंच तन्मात्राओं से व्यूह रचना विशिष्ट रचना के माध्यम से पार्थिव तत्व उत्पन्न हो गया, ये नौ नंबर टिप्पणी। अनंतरम संपर्कांतर संभवाद अंत्य कार्यम, उसके अनंतर और भी कोई तत्व है क्या, कार्य है क्या, गत नहीं नहीं, क्योंकि और संपर्कांतर संभवाद, और संपर्कांतर करने की कोई आवश्यकता भी नहीं और संभव भी नहीं है। ये पांच मिलकर के इससे अधिक और स्थूल क्या हो सकते हैं, और स्थूल की संसार व्यवहार के लिए अपेक्षा भी नहीं है, यदि कोई कल्पना भी कर ले व्यर्थ कल्पना हो जाएगी, क्यों, क्योंकि व्यवहार के लिए अपेक्षा नहीं है। इन पांच से जब काम चले छठा क्यों हम कल्पना करें, है या नहीं, जैसे होता है आदमी को पांच उंगली से काम चल रहा है सर्वसामान्य, और किसी छठा उंगली आ भी जाए तो क्या कहा जाएगा, व्यर्थ है, उसे भी विशेष कार्य कर पाएगा क्या, वो जो आएगा वो छोटा सा रहता है साइड में, इतना सा रहता है, वो किसी काम का नहीं, फालतू मांस पिंड एक बड़ा रहता है। आपने देखा हो कई उनके पैरों में भी कई चर्चे छह उंगली हो जाते हैं, छंगे छंगे बोला जाता है, छह उंगली वाले छंगे, तो इस तरह से। लेकिन जो व्यर्थ ही कल्पना मानी जाएगी, वो सृष्टि हो गया, कोई कर्म था उसका जैसा पैदा हो, वैसे यहां पर कोई छठा कल्पना कर ले, कोई दार्शनिक छठा भूत उसे भी कोई सृष्टि मान ले, तो बकवास व्यर्थ है, कोई जरूरत नहीं, ये नहीं। अतएव बहुनाम संघात घनम, इसलिए भूतों का संघात होने के नाते एक घनीभूत हो गया, स्वदेशांतर प्रतिबंधकम अत्यंत पर सम्मिश्रणासहम परिपुष्ट द्वैत दृष्टि पर्यंत निविष्ठम इति अर्थ। स्वदेशांतर प्रतिबंधकम, वो अपने में दूसरे को प्रतिबंधित कर देता है, अब दीवार बना जाओ घुसो, कैसे घुसोगे उसके अंदर, घुस नहीं देता किसी को, ऐसे भी दीवार से कील कील टेढ़े हो जाएंगे सब, हाथ पर दर्द हो जाए आपको, घुसेगा नहीं कील उसके अंदर, ठोस पत्थर हो गया, कई बार पत्थर तोड़ने में कितना हालत खराब हो जाती है, डायनामाइट रख फोड़ना पड़ रहा है, ऐसे भी आ जाती है, तो इसलिए जैसा ठोस है दूसरे को घुसने नहीं देता अपने अंदर इतना आसानी से, आप विशिष्ट तरीका अपना रहे, छेद कर रहे हैं उसके अंदर घुसा रहे जबरदस्ती, मतलब अपने आप स्वाभाविक रूप से वो किसी को अंदर घुसने देने का नहीं, पृथ्वी ऐसी चीज है, इतनी निबिड़ इतनी घनीभूत हो गई है दूसरा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अत्यंत पर सम्मिश्रण असहन, दूसरे का सम्मिश्रण भी सहन नहीं करता, ये अलग ही रह जाता है। देखो पानी से बना मिट्टी है ना, फिर पानी में मिट्टी घोल दो तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, अलग ही रह जाता है, अपने कारण में भी इतना आसानी से विलय नहीं होने वाला, घोल दो सब कुछ कर लो फिर बैठ जाएगा, विशेषता है ना इसकी।
दूसरे के साथ इतना आसान से मिश्रित नहीं होता, दूसरे को अपने मिश्रित होने के लिए, ऐसा है ये उसके लिए। परिपुष्ट द्वैत दृष्टि पर्यंत निविष्टम, क्यों? क्योंकि परिपुष्ट द्वैत दृष्टि हो गई, ऐसे द्वैत स्थिर हो गया है, इतना पुष्ट हो गया है, अब दूसरे को सहन नहीं करता, और ऐसी दृष्टि में यह पर्यवसित हो गया है, पर्यंत निविष्ट हो चुका है, इतनी जड़ता आ गई इसमें, इस और अधिक जड़ता की आवश्यकता भी नहीं रहती। इतनी दस नंबर टिप्पणी, जलादिषु ही एतानि सर्वाणि असंभाव्यानि, जलादि में सब गुण नहीं है, जो पृथ्वी बताया जा रहा है जड़ाभासम सहतम घनम, ये सब विशेषण जो पृथ्वी को दिया, ऐसे जलादि में देखेंगे नहीं। जल को आप घनीभूत बना लो, कितना देर घन रहेगा वो? बर्फ बना दिया, बर्फ बना लो क्या होगा वो? पिघल जाएगा, जितना भी घनीभूत कर लो। ईश्वर के निर्मित भयंकर जो बर्फ, ऐसी ऊंचाई वगैरह बनाकर बर्फ में पहाड़ बना दो, भी ग्लेशियर टूट रहा, कब तक टिकेगा? करोड़ साल, दो करोड़, दस करोड़ साल, कितना साल जिएगा वो भी? आखिर में जल तो जल है, क्या किसी का निर्माण किया हुआ है? ईश्वर का निर्माण किया बर्फ है, चलो करोड़ों साल टिक गया, और आपका निर्माण किया हुआ हजार क्षण भी नहीं टिक पाता है, इतना ही अंतर। इसे कहते अन्य में नहीं मिलेगा, असंभाव यानी तान ही अन्य संपर्क सहन शक्तानी, क्योंकि वे सब अन्य संपर्क के सहन करने की सामर्थ्य वाले, जल में कोई चीज डालो उसको सहन कर लेता है, पृथ्वी में कभी सहन नहीं होता। अघनानी स्वदेशांतर अप्रतिबंधकानी, अपने में दूसरे को घुसने में वो प्रतिबंधक नहीं होते, इसलिए आप जल के अंदर पैदल चले जाते हो, जल रोकता नहीं आपको, अग्नि में घुस जाओ आर पार चले जाओगे, रुकेगा नहीं, और पत्थर में घुसो पैर में चोट लगेगा, है या नहीं? थोड़ा अगर ठोकर लग जाए हालत खराब हो जाती है ना, झन 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 करते पूरे शरीर में करंट, पत्थर में इतना दम है, और पानी में लात मारते हो धड़ धड़ चल जाता, पैर दे में चला जाता, सब कर लेता, वो सहन कर लेते हैं या असहन करता है, ये सब बता दिया। स्वदेशांतर प्रतिबंधकानी अत्यंत परिसमिश्रण असहानी च, और अत्यंत परसमिश्रण के असहन भी कर नहीं करते हैं, अतएव न द्वैत दृष्टि परिपोषकानी, अतएव द्वैत दृष्टि का वे परिपोषक नहीं होते हैं। इसलिए शरीर को पार्थिव प्रधान या मनुष्य शरीर को पृथ्वी प्रधान बना दिया, ताकि ये द्वैत को पुष्टि करने में यही उपयोगी है। ईश्वर ने इसलिए पृथ्वी प्रधान शरीर बनाया, ताकि सब इसके आकर्षण में आकृष्ट पर छिपके पड़े, इसीलिए ये निकले ही नहीं, इतना द्वैत दृष्टि मजबूत हो जाता है ना। बच्चे भी इसलिए बार बार उसको दर्पण में दिखाते हैं, बचपन से संस्कार ऐसे बना देते हैं, अब जिंदगी भर के लिए दर्पण और कंघी क्यों जी नहीं पाता है, जिंदगी भर फंस गया, अब दर्पण देखते रहेगा, कंघी करते रहेगा, टिप टप बनते रहेगा, अपने आप को सुंदर मानते रहेगा, उसको दिखाएंगे दर्पण दिखाएंगे, उसको चूमेंगे, देखो कितना सुंदर है, तो प्यारा है, अब वो सोचता है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत प्यारा हूँ, दिमाग बैठ गया, जैसा भी रहे काली करो डिफॉल्ट पठान, तो अपने आप को सुंदर ही मानेंगे, जैसा भी रहेंगे अपने आप को सुंदर कौन नहीं मान। एक बार ऐसे बनारस में रहते हुए तो बड़ी समस्या, आश्रम के पड़ोस में परिवार में, वहाँ ऐसा होता है ना कि वो लड़की नहीं देखती लड़के को, ना लड़का लड़की को देखते, वो परिवार वाले जाके देख लेते हैं, हाँ हाँ कर दिया, बढ़िया है बढ़िया बोल दिया, और लड़की उसे पोत्र की थी दुनिया भर की, लड़का को बाद में जब शादी हुआ सब शादी में भी ड्रेसअप करके ही आई, पता तो चला नहीं, शादी के अगला नहा दो तब 1000 पेंट निकल गया, तो खाली थी, बड़ा परेशान था वो, पंडित को डांटे, सबको डांटे, तुम लोग सबने धोखा दिया, घर वालों को डांटे, अब क्या करें इसको, तो देखना नहीं चाहते तो सकली ऐसी। तो बाद हम लोग बड़ा, वो भी जवान था, हम लोग भी जवान थे उस समय, तो प्रेम था, बातचीत होती थी, बड़ा दुखी था, एक दिन विश्वनाथ में जाके आ रहे थे, मिला रास्ते में, तो क्या बात है क्यों दुखी दुखी दिख रहा है, अरे शादी हुआ नव नवेली को लेकर मौज कर घूम फिर चल जा शिमला, मगर महाराज को देखना नहीं है मैंने। मैं क्या हुआ? मतलब देखिए आप कैसी है वो,
अरे मैं काय को देखो, तू तो देख लिया, बताओ क्या स्थिति है। अरे इतनी खाली है, कोयला उसे बढ़िया है। मैंने कहा ऐसे देखो, राधा जी गोरी थी, कृष्ण बहुत काले थे, अब तुम गोरे हो, आधो काली हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है, सब भूल जाएगा, वही तुम्हें इतना सुंदर लगेगी, थोड़े हनीमून तो चले जा, निकल तू यहां से लेकर, फिर देखो तुम्हें सुंदर लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन ठीक है, आप कहते तो भी ट्राई कर लेते हैं। लेकर के चला गया शिमला, आया शिमला, घुमा फिरा, 3 दिन बाद उसमें तो फोन होते, तो मोबाइल तो थे नहीं, 85 की बात 86 की बात। तो उसने, हाँ 86 का दिसंबर जनवरी की बात, उसने घर को फोन किया, पहले कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, माँ ने पूछा हाँ सब ठीक ठाक, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही तुम लोग, पूछे नहीं सब ठीक ठाक। फिर आश्रम को फोन किया कुछ देर बाद, आश्रम को ठहर बोला, स्वामी जी को बोला, मेरे को बुलाया कोटारी ने, बोलो मेहमान कर रहे थे उसमें शाम का टाइम, तो गए, फोन उठाया, कौन है, मैं राकेश बोल रहा हूँ, अरे कैसे हो भाई, सब ठीक ठाक है, नहीं स्वामी जी अपने बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे को ये सुंदर लग रही है, नहीं तो हो गया काम, काम हो गया। तो दुनिया ऐसी, तो पृथ्वी ऐसी चीज बना दिया भगवान ने, इसमें जैसा भी पृथ्वी हो कि ना, कार्य पृथ्वी का वो सुंदर ही लग गया, और द्वय दृष्टि मजबूत हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, जिसको इस शरीर से वैराग्य नहीं है, उसका वेदांत को उपदेश देना व्यर्थ है। पार्थिव शरीर है, ये द्वय दृष्टि को मजबूत करने वाला चीज है। इसे कहते कैसा है, ये तो द्वय दृष्टि को परिपोषकानी, लेकिन जलादि कैसे है, द्वय दृष्टि का परिपोषकानी न हो, ये कह दिया, टिप्पण पूरा हुआ। चलिए अब अगले श्लोक के अवतरण, अत ऊर्ध्वम यानी भुवनादि कार्याणि तानि येषामेव भूतानां विभव भूतानि अपरिसंख्येयानि स एव निर्मिमित इत्याह। वही परमात्मा शिव ने पुनः निर्माण आगे बढ़ाया, तत्वों का निर्माण नहीं बढ़ाया, इन्हीं तत्वों को लेकर पंचभूत आदियों को लेकर भौतिक सृष्टि रूपा भूतों का वैभव को बढ़ाया। क्या बढ़ाया भूतों का वैभव, इन लोकों का सृजन किया, इन लोकों में 84 लाख योनियों के अरबों शरीर पैदा कर दिया, शरीरों को निर्माण कर दिया। अत ऊर्ध्वम, इसके पश्चात या नंबर टेक नंबर टिप्पण, ननु किमिदं षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपतां बिभ्रत् इत्युच्यते। ये 36 तत्वों को धारण करते हुए फिर वो विशेष को धारण किया, आपने जो कहा था यावत अन्य भी विभवात्मकम, अन्य भी उसका वैभव रूपा भुवन जातम अस्त्यव, भुवन समूह तो है ही है, तो आपने 36 में क्यों संख्या बढ़ा रोक दिया, तब कहा था हा इत्यादि, वो 36 ही तत्व थे। अत ऊर्ध्वम क्या किया उसने, यानी भुवनादि कार्याणि, जो शरीरादि कार्य है उनको, तानि येषामेव भूतानां, वे इन्हीं भूतों का कार्य है वो, अलग तत्व उनको नहीं माना जाएगा। विभव भूतानी अपरिसंख्य यानी कितने हैं, कहते अरबों खरबों, वही संख्या का ठिकाना नहीं, कितना पैदा किया, बहुत सारा बना दिया, क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बताया ना, हम सिंगापुर एक बार गए, वहां देखे बनाया उन्होंने म्यूजियम मकोड़ों का, मकोड़ों की चित्र बना दिया, मकोड़े चिपका रखा हजारों, कहाँ कहाँ से पकड़ के लाए, इतने सारे ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल, मैंने ऐसे कुछ दवाई दे दिया उसको, मरे हैं, दवाई देकर उसको चिपका रखे, पूरा बना, बड़े बड़े दीवार पड़ा बड़ा बड़ा, और कुछ जिंदे भी रखे हुए, जिंदे भी, जैसे लकड़ी को खाने वाले कीड़े, हाँ? कितने प्रकार के उसके भी दुनिया भर बना। फिर तितलियाँ, एक हॉल पूरा तिथरी तिथलियों से भरा पड़ा, रंग बिरंग, तब पता लगता है ईश्वर सृष्टि क्या है, क्या बना रखा है, हर एक योनी में कितने, कोई छोटा है कोई बड़ा है। और हमने मकड़ों की जो आपस में युद्ध को देखा, आपस में युद्ध, ये छोटे मकड़े होते ना थोड़े लाल डंके वाले, और दूसरे बड़े काले वाले, इनकी लड़ाई, इतनी लड़ाई हुई रात भर चला, और बाहर पूरे गिर हजारों मरे पड़े, इनके दूर
कलकल हो गई। अद्वैतपुरी को पूछना, अद्वैतपुरी जो है ना, हम लोग बाराबंकी में थे उस समय 88 की बात, यही बरसात के दिन थे, उनके घर में पानी घुस गया, बाहर आ गए, ये वो आ गए बाहर, मिल गए तो तू कौन है, तू कौन है, लड़ाई चालू, ये उसको मार रहे, तो हमारे एरिया में क्यों आए, वो कह रहे तू हमारे एरिया में क्यों घुस रहा, आपस में उसको मारते गए, मारते हजारों कमाल देखने लगे। इनमें भी इतना युद्ध होता है आपस में, एक ही जाति वाले छोटे बड़े केवल, इसे कोकराझार आसाम में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कौन सा आश्चर्य, मनुष्य में होता है तो नहीं। तथा नाना शरीराणी भुवनानी तथा तथा विसृज्य रूपं गृह्णाति पोत्कृष्ठाधम मध्यमम्। तथा नाना शरीराणी भुवनानी च तथा तथा, उन शरीरों के अनुकूल उन के लिए योग्य योग्य भुवन भी बना लिया, जैसा शरीर उनके वैसे मकान धंधा सब कुछ, गाड़ी घोड़ा खाना पीना सब अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था रहती है, हर जाति की हर योनियों में हर अपनी अपनी व्यवस्था बना रखे। आज बाहर विश्व में ही देखिए, कई कुत्तों की गाड़ी होती, कुत्तों का रथ, फिर कुत्ते खींचते हैं उसको, बर्फीले के इलाकों में आप देखें ना, देखा होंगे टीवी में दिखाते हैं, 12-12, 20-20 कुत्ते लगे रखते हैं और खींच रहे हो सामान को ले जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ा दे रहे हैं, खच्चर भी नहीं चल पाते वहां को, उन्हीं क्षेत्र को विशेष कुत्ते होते, वही दौड़ ले जाते। मैंने जहां जैसा आदमी है वहां वैसी हिसाब से सारी व्यवस्था, खान पीन भी देख लो, जहां जैसे खाने पीना उनको, उनके लिए वैसे उपज हो जाता है, उस क्षेत्र का उपज उपजाऊ होती है। दक्षिण में चावल ज्यादा खाते, वहां चावल ही चावल होता है, गेहूं की तरफ पैदा ही नहीं होती, और यहाँ देखो गेहूं गेहूं पैदा होता है। और वो ऐसे लोग हैं छोटे छोटे द्वीप वाले, चारों तरफ समुद्री समुद्र, उनके वहां होता कुछ नहीं, अच्छा मछलियां खा रहे हैं, मछलियां खूब मिल रही समुद्र से, खूब होते रहते हैं खाते। मैंने जहां जैसा जिसको जैसा चाहिए वैसी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखा, हर चीज की व्यवस्था। इधर सब भुवनानी तथा तथा विशेषम सृज्य, विसृज्य मैंने त्याग करके अर्थ नहीं करना, विशेष सृष्टि की रचना करके अनेक रूप, मनुष्य आदि मनुष्य देवता आदि अनेक रूपों को गृह्णाति। वे कैसे रूप है, वो कोई उत्कृष्ट रूप है, कोई निकृष्ट रूप है, कोई मध्यम रूप है, इस तरह के अनंत रूपों को धारण कर लिया, उत्तम मध्यम अधम कोटि के ध्रुव स्वरूप। उत्तम हो गए देवता लोग, मध्यम मनुष्य हो गया निशा तृतीय ज्ञानी के लोग, बाकी तो सब उसी में अंतर्भाव कर लिया। एवं यथा विश्व प्रपंच तनन क्षम, विश्व प्रपंच तनन, तनन मन व्यापक विस्तार, तनु विस्तार धातु से लुट लगा, लुट प्रत्यय, लुट का आदेश तनना, विश्व प्रपंच, विश्व रूपी इस प्रपंच का विस्तार करने में सक्षम हुआ शिव ने, क्या किया, यथा तत्व रूप धारण किया, 36 तत्व रूप धारण किया, क्योंकि तथा है ना शुरू में, इसलिए यथा पहले ग्रहण करनी पड़ेगी। यथा क्या लेना, पूर्व श्लोक को छोड़ जोड़ देना, जिस प्रकार पूर्व श्लोकों में आपने सुना विश्व प्रपंच के विस्तार करने में सक्षम हुआ परमात्मा शिव ने, तत्वरूपों के रूप से 36 संख्या का रूपा कार्य रूपेण धारण किया अपने आप को, ठीक अब तथा उसी प्रकार से तैरेव तत्व, उन्हीं तत्वों के द्वारा जनक संसारी पुरुष रूपेण, जनक जो संसारी पुरुष रूप से निर्वर्तनीयानी जो सिद्ध करने योग्य हैं, न तो साक्षात विधातु, साक्षात विधाता ही नहीं हुआ है, न साध तो साक्षात विधातु हो, देवादि शरीरानी कार्याणी, देवादि शरीर का कार्यों को गृहणाति के साथ जोड़ेंगे। इस बीच में टिप्पण थे 2-3-4-5, दो है भोग साधनानी शरीरानी इत्यर्थ, भुवनानी मैंने भोग्य विरोध घर मकान लोक वगैरह, भोक्तारम देवत्य मनुष्य रूपम, रूपम की व्याख्या, रूप क्या थी, देवयोनी मनुष्योनी, और यह वही एक उत्तम है, एक मध्यम है, त्रियंग है, त्रियंग अधम है। अयम अत्र तात्पर्यार्थ, कहने का तात्पर्य पूरा निचोड़ दे रहे, 4 नंबर पोत्कृष्ट अधम मध्यमम पर टिप्पण है। आदो ही अपूर्णम मन्यता रूपा परिस्पंदो अकर्मक अकर्मकम अभिलाषा मात्र, पहले अपूर्ण था, अपूर्ण मन्यता रूपा, अपूर्णम क्या है, अपूर्णता क्या है, अन्यता रूपा भेद, शिव ने अपने से
शक्ति को अलग करके स्वीकार कर, अलग है नहीं, मान लिया मेरी शक्ति अलग है और मैं शक्ति से निर्माण करूं, इच्छा। इसे उस समय अकर्मक है, कर्म भी पैदा नहीं हुआ, कोई कार्य पैदा नहीं किया उसने। वे कह रहे आदो ही अपूर्णम अन्यता रूपा, अपूर्णता के कारण से अन्यता रूपा ही जो कि परस्पंद है, अकर्मक है, अभिलाषा मात्र है, ऐसा होता भविष्यत अवच्छेद योग्यता, भविष्य में होने वाली अवच्छेद रूपा परिच्छिन्न कार्य की एक योग्यता विशेष शुरू में पैदा होता। इसको आपने कहा था उसमें निर्वृत्ति आनंद विशेष अनुभूति होने लगी, फिर उसमें उन्मुखता आया। उसमें दूसरे शब्द फिर करें एक स्पंद, इसको अन्य विषय हमेशा बोला जाता है एक स्पंद हुआ, और अन्य क्या कहेंगे वेदांत में एक संकल्प हुआ, क्या संकल्प हुआ एक ओम बहुत संकल्प घातक कार्य किया, एक ओम बहुत संकल्प ना होता तो संसार नहीं होता। इसे इनका कहना है कि देखो ततोपि राधा कर्मावच्छिन्न अभिलाषा, उसके बाद क्या हुआ राग आया, राग का मतलब कर्म विशिष्ट एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, सकर्मक इच्छा हुई, कर्म तो तत्र कर्म मात्र, कर्म से लेना कर्म सामान्य को, ततोपि कर्म भेद विचित्रो बुद्धि धर्मो राग इति, उसके बाद कर्म भेद की वैचित्रता का कारण होता बुद्धि रूपी राग पैदा हुआ, तैदम मलो मल उपोद्बलितम कर्म संसार वैचित्र वैचित्र भोगे निमित्तम, ऐसा जो मल को बढ़ावा देने वाला उपोद्बलन करने वाला यह जो कर्म है यही संसार वैचित्र के भोग में निमित्त है। इति तद भोग वासना अनुविद्धानां अनुनाम भोग साधनार्थम शरीरानी, उन्हीं भोग वासना से युक्त ये जो पशु रूपा जीव अणु है, हम लोग यहाँ शैव दर्शन में जीव को अणु कहा जाता है, अणुमल है ना, अणु रूप धारण किया, इसे अणु नाम का मतलब जीवाणु मनुष्य सकल जीवों का भोग का साधनार्थम शरीरानी, भोग का साधन तक क्या किया सब सबने शरीरों का निर्माण किया, सैव सुयते इत्युक्तम वही उसी का जन्म लेना शुंग प्राणी प्रसवे, इसी को कहते हैं अब जन्म हो गया, शरीर जब पैदा हुआ शरीर का प्रकट होने का नाम ही जन्म होना और कुछ नहीं। वास्तव में जन्म तो होता नहीं आत्मा का, लेकिन जन्म कहा जाएगा कब जब शरीर प्रकट हो जाए तो कहा जगह जीव का जन्म हो गया, ये व्यवहार हो जाता है। इत्युक्त तथा नाना इत्यादि, इसलिए उन्होंने कहा नाना शरीरानी, ऐसे श्लोक में कहा शरीरस्य भोग साधनार्थम तानी तानी अनेक विधान वासनानुसारेण भुवनानी, और शरीर का जो है जो कि भोग साधन का जो शरीर था वे अनेक प्रकार के क्यों बनाया, क्योंकि वासनानुसारेण भुवनानी, वासना के अनुसार भोग के लिए अलग अलग चाहिए ना, अब शौच खाना है टट्टी कैसे खाएगा तो सुअर बनेगा और क्या करना, अब वो वासना यदि है तो बनना पड़ेगा ना, ये वासना है एक आंक ही रहना बस कवा बना देंगे भगवान तो एक आंक वाला बने रहोगे, ये जैसी वासना है वैसे शरीर उन्होंने बना दिए, और आपकी वासना है मालपुड़ा खाने की जो भंडारा खाने वाला महा तो बना देंगे, मालपुड़ा खाते रहो घूमते रहो, इसकी जैसी वासना वैसे भगवान उसको बना के देते। तद अनुसार जब भोग्य भोग भुक्त्यंतम, इसलिए उसकी वासनाओं के मुताबिक जब तक भोग की भुक्ति समाप्त नहीं होती तब तक तद्रूपता परिग्रह इत्युक्तम वो दृष्टि, तब तक उस रूप को धारण किया रहता है, चाहे देवता रूप योनि हो चाहे मनुष्य योनि हो चाहे तिरे योनि हो। सबसे पहले इसलिए तो कहते अनादि है, सबसे पहले प्रश्न नहीं उठता, ये अनादि धारा है, बीज पहला कि अंकुर पहला वो अनादि है, इसलिए संसार को हम लोगों ने अनादि कहा। उस दिन मैं जो समझा रहा था ना आपको भ्रांति हुई है, भ्रांति कब हुई क्यों हुई कैसे हुई ये सब विचारणा करते रहो तो भ्रम में ही रह जाएंगे, परिहार करना सोचो, एक ही सिद्धांत वेदांत एक कहता है, ज्यादा तो मत्थामारी करेंगे तो अनादि छोड़, अनादि समझ लो कब हुआ पहला कहां से टप गया, तो पहला हुआ ही नहीं अनादि धारा है,
जब जगत पैदा ही नहीं हुआ तो पहला कहां से? सच्चाई तो यह है, इसलिए प्रश्न बनती नहीं। शैव दर्शन में भी नहीं, वेदांत में भी नहीं, कहीं बनता, सभी इसलिए अनादि मानते। सब दर्शन वालों को अनादि मानने मिला, किसी के पास जवाब ही नहीं स्पष्ट था, फल संसार कैसे आ गया? ईश्वर ने पहली बार जो जीव थे ही नहीं, एक में अद्वितीय था, तो कैसे बन गया? तब कहते हैं अनादि। षड अनादि मानते ना, षड अनादि में ये जगत भी तो अनादि था। अच्छा, टिप्पण पूरा हो गया? हाँ हो गया। परमेश्वर से सर्वकर्तो, पांच नंबर टिप्पण। विधातु देवादि शरीरानी कार्याणि, है ना, वहां पर थी। कौन है विधाता? परमेश्वर सर्वकर्ता, उसका वास्तव में कोई साक्षात शरीर नहीं है। ये जीव के माध्यम से औपाधिक शरीर जो बना वो ईश्वर का भी है, ये कह दिया जाए। है वास्तव में वो जीव गाणु का है, लेकिन वो ईश्वर के माध्यम से ही बना, ईश्वरी तत्वांतर माध्यम से रूप धारण किया है। इसे शरीर भी किसका है? ईश्वर का है, कि ईश्वर ही शरीर है वास्तव में, अतः ईश्वर का कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ईश्वर का है शरीर का साथ साक्षात संबंध हो, और शरीर से होने वाले सुख दुख का भोग के साथ उसका भोग बन जावे, ऐसा नहीं, इसलिए उन्हें मना कर।